नमस्कार, आप देख रहे हैं सीढ़ी तालका और इस वक्त हम पानीपत की खादी कॉलोनी से लाइव हुए हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग के साथ 2,63,000 रुपए की ठगी हुई है। सारा मामला क्या है, बुजुर्ग से ही पता करते हैं। आपके साथ ठगी का मामला सामने आया, कैसे ठगी हुई, कहाँ पे हुई, किससे बातचीत हुई थी, कौन था? 7 तारीख को लगभग 12:30 बजे मैं कुछ बीमार सा चल रहा था, अपनी पर्ची बनवाने ओपीडी ब्लॉक सिविल हॉस्पिटल पानीपत में गया, तो वहाँ सामने मैं खड़ा था पर्ची बनवाने के लिए। तब ये एक सामने 6 फुट लगभग 6 फुट लंबा जवान, अप टू डेट, सफ़ेद पैंट बुशर्ट की ड्रेस में आकर मुझे मुस्करा कर नमस्कार करी। मैंने कहा नमस्कार। फिर दोबारा उसने 1 मिनट बाद फिर नमस्कार कर मगर नमस्कार। मैंने कहा आप मैंने पहचाने नहीं, आप थोड़ा परिचय दें। फिर उन्होंने कहा मैं SHO मॉडल टाउन हूँ, आप जानते हैं। मैंने कहा कि वो आप शर्मा जी? कहाँ? सुनील शर्मा जी? कहाँ? राय वाले? कहाँ? ओहो ओहो हम कहा। फिर मैंने हाथ मिलाया उनसे, फिर बोला वो उसने उन्होंने कहा चलो बैठते हैं। मैं कहा चलो बैठते हैं। दोनों हम बैठ गए पीछे उसमें OPD ब्लॉक में जो कुर्सियां पड़ी थी, तो मन बेचैनी थी कि पर्ची 1 बजे तक ही बनेगी। मैंने उनसे कहा आप 5 मिनट बैठो, पर्ची 1 बजे तक ही बनती हैं, मैं पहले पर्ची बनवा लूँ। बोले कोई ना, पर्ची मैं बनवा दूँ। मैंने कहा नहीं, फिर ये बनती ही नहीं पर्ची 1 बजे। तो वो उनको वहाँ बैठे रहे, मैं पर्ची बनवाने आया। पर्ची वाले ने कहा कि जी आज आप वाला डॉक्टर चले गए हैं, कल आप आना, आज पर्ची बनवाने का कोई फायदा नहीं। तो पर्ची मेरी नहीं बनी, मैं वापस ही उनके पास जा बैठा। तो बैठे थे तो वो बातचीत करते रहे। उन्होंने मुझे बिल्कुल एक किस्म से हिप्नोटाइज करके ये जरा दिया कि मैं सुनील SHO मॉडल टाउन, मगर राय वाले? कहाँ राय वाले? हाँ हाँ अच्छा अच्छा। बोला फिर वो कहने लगे मुझे कुछ आज पैसों की अचानक जरूरत पड़ गई। रमा जी मेरे पास यहाँ तो कोई पैसा नहीं है, मैं तो ये सिविल हॉस्पिटल में आया था पर्ची बनवा के दिखाने। बोले घर पर पड़े हो? मैं हाँ घर पर दो। फिर उन्होंने इस दौरान बातचीत के दौरान ही खड़े होकर अचानक अपनी कुर्सी से और एक बड़ा साइज का रुमाल निकाला और वो ऐसे मेरी आँखों के आगे मेरे मुँह के सामने झड़क दिया, जिससे एक पाउडर की धूल उठी, बारीक पाउडर की सफ़ेद की। मैंने कहा ये क्या किया शर्मा जी? और मेरी आँखों में थोड़ी वो धुंधलाहट आना शुरू हो गई। बोले वो गुप्ता जी ये मतलब वो एक ये कोरोना फैल रहा है ना आजकल, उसका ये प्रोटेक्शन है, इससे ये नहीं फैलेगा। मैं अच्छा। हाँ तो फिर उन्होंने अपनी बातों को कंटिन्यूस रखा। फिर मैंने कहा ये पैसों की क्या है, मैं जरूरत पड़ गई? बोला जी एक आज रात को किसी बदमाश ने 25,000 रुपये फिरौती ले रखी थी और उसका मर्डर कर दिया। हमने उस बदमाश को दबोच लिया है आज ही। अच्छा, वो थोड़ी एक बार कड़ी जरूरत पड़ेगी हमने कुछ पैसों की। फिर मैंने सोचा 10-5 हज़ार रुपये लेते होंगे। इतने में मैं बिल्कुल थोड़ा हद नर्वस होने लगा और आँखों में और धुंधलाहट बढ़ने लगी। मैंने कहा फिर मेरे पर चला तो जा नहीं रहे, आप जिप्सी में आए होंगे, जिप्सी मंगा लो। बोले हाँ मैं जिप्सी मंगाता। उन्होंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और कुछ किसी से बात करी और मेरे से कहने लगे 1 मिनट बाद कि जिप्सी मतलब पंचर हो रहा है जी, मगर देखो मेरे पर चला नहीं जा रहा है। वो बोले अच्छा कोई बात नहीं, मैं 3-व्हीलर ले लेता हूँ। उसने तुरंत 3-व्हीलर ले लिया वहीं एक, और उसने बोले बैठ कर हम अपने घर 6D खादी कॉलोनी में आ गए 20 मिनट में।
आकर उसने मैंने कहा पानी है, वो बोले पानी है, एक गिलास पानी पिया और मैंने कहा चाय, बोले नहीं जल्दी हो जाएगी, वो थ्री व्हीलर घर के बाहर खड़ा था। मैंने अपने पैसे देखे घर पे 13,000 रुपये रखे थे, मैंने उनको दे दिए, बोले जी न मैं तो काम नहीं चलेगा, कोई बैंक में हो तो चेक वगैरह दे दो। उस टाइम तक मैं बिल्कुल नर्वस और हिप्नोटाइज हो चुका था उससे कि ये वही शर्मा जी हैं, मतलब ये मुझे 100% हो गया था, कोई शक संदेह नहीं रहा था इस बात में। उस बात का वो फायदा उठाते हुए मेरे से पहले 2 लाख फिर चपट चपटा कर 2.5 करवा के ना 2.5 लाख का सेल्फ का चेक यस बैंक में, मेरा खाता था संजय चौक यस बैंक में, वो लेने में कामयाब हो गया। फिर वो चलने लगा उस स्कूटर में उस थ्री व्हीलर में बैठने के लिए, फिर वापस मुड़ा, बोले गुप्ता जी एक बस साथ चल पड़ो, ये कभी वो साइंस वन डिफर हो जा फिर मुझे आना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा चलो साथ चल पड़ते हैं, जब मैं पूरा उसके फेत में आ गया था, हम दोनों बैठ कर फिर उसमें यस बैंक में आ गए। यस बैंक में काउंटर पर उसने खुद वो पैसे निकलवा लिए, मैं वहाँ बैठ गया था, फिर निकलवा कर आ गया। आकर कहने लगा जी गुप्ता जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, या तो कल या ना परसों तो डेड शोर में आपके घर आकर ये पैसे लौटा जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा। 2 दिन मुझे कोई चिंता नहीं हुई, 8 तारीख और 9 तारीख को, 9 तारीख की शाम तक भी वो जब नहीं आया मुझे चिंता और संदेह होने लगा। मैंने मॉडल टाउन थाने में तुरंत फ़ोन किया कि वो शर्मा जी SHO शर्मा जी बैठे हैं, वहाँ से जवाब मिला कि जी वो तो आज से 6 महीने पहले यहाँ से सिटी SHO हैं और वहाँ ट्रांसफ़र हो गए। मैंने फिर वो शर्मा जी के मोबाइल पर तुरंत फ़ोन करा, उन्होंने कहा मैं तो आज हॉस्पिटल में गया भी नहीं और ये बातें जो हुई हैं ये आपके साथ कोई ठगी हुई है। इससे फिर सारा मामला मेरी नॉलेज में आ गया कि भई ये तो एक दुर्भाग्यवश मेरे साथ ठगी हुई है, ये सारी कहानी है जी। आपने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है? हाँ शिकायत दर्ज करवा दी है मैंने, मतलब और सिविल हॉस्पिटल में मैं और IO जितेंद्र सिंह, जितेंद्र कुमार SI हॉस्पिटल में गए, उसकी जो फोटो आई हुई है बिल्कुल जैसे वो मेरे साथ था और था, और लेकिन मास उसका हर दफ़े उसने मास उसने बिल्कुल उतारा ही नहीं है। और बैंक में भी मैंने उसको उसकी फुटेज मांगी तो उन्होंने कहा दिखा देंगे, उन्होंने दिखाया तो काउंटर पर पैसे लेता हुआ है लेकिन उसकी पीठ और सिर दिखाई देता, सामना तो काउंटर की तरफ था ना कैमरा, ये जैसे दुर्भाग्यवश ये मेरे साथ लाइफ टाइम है पहली बार ऐसा धोखाधड़ी होया। मतलब और जी आपसे हॉस्पिटल में मिला, हाँ जी SHO बन के हॉस्पिटल में मिला आपको, कितनी उम्र थी, क्या उसका कद काठी किस तरह की थी, देखने में कैसा लग रहा था? यंग उम्र थी, लगभग 6 फुट लंबा कद था, अप टू डेट ड्रेस और सफ़ेद पैंट सफ़ेद सुपारी सूट में था मतलब, और मुंह कर बड़े साइज का काले रंग का मास्क बांधे हुए था और सारी बातें करता रहा और स्पीड से और मुस्कराता रहा और मुझे बिल्कुल 1% भी डाउट नहीं हुआ कि ये सुनील शर्मा जी नहीं है। उसका नाजायज फायदा उठाते वो मेरे से ठगी करने में कामयाब हो गया, जबकि ऐसी घटना मेरे पूरे जीवन में 77 साल की आयु में कभी नहीं हुई थी, ना मैंने कहीं 10 रुपये की भी कहीं से चीटिंग कोई मेरे से कर पाया था। और ये मेरी कुछ दुर्भाग्य कहो या ओल्ड एज में वो किस तरह उसने वो
ये ठगी करी, इसका पश्चाताप मुझे लगभग एक सप्ताह से खा रहा है। पुलिस के बड़े अधिकारियों से क्या गुहार लगाओगे जी? पुलिस के बड़े अधिकारियों से क्या कहना चाहोगे, क्या गुहार लगाओगे? हाँ, ये गुहार लगाओगे जी कि हमारे पास जैसे दो चार रोटी और उसी को कुत्ता ठा ले जाए तो बड़ा दुख होता है। किसी के पास 20 रोटियां और दो कुत्ता ले भी जाए तो उसमें उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं प्रशासन से, पुलिस अधिकारियों से उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे अत्याचारी और जालिम उसको किसी तरह भी कोशिश करके पकड़ कर मेरे पैसे बरामद करें। मैं आभारी होऊंगा पुलिस प्रशासन का। सुना आपने, इस बुजुर्ग 77 साल की उम्र है, सत्यनारायण इनका नाम है, रिटायर्ड टीचर हैं, इनके साथ 2,63,000 रुपए की ठगी हुई है। SHO मॉडल टाउन बनकर इनके साथ ठगी की गई है। इन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारियों से यह गुहार लगाई है कि इस मामले की जांच करें और इसमें जो ठग ने इनके साथ ठगी की है उसे जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनके पैसे वापस दिलवाए जाए। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, वह भी कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार।